नमस्ते, मैं हूँ अनुपमा और आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ डियरमा कॉर्डलेस वैक्यूम क्लीनर का रिव्यू। जी हाँ, आजकल वैक्यूम क्लीनर हर घर की ज़रूरत बन चुकी है और ख़ास करके अभी जिन घरों में मेड नहीं आ रही है या मेड छुट्टी पे है या जिन्होंने नहीं लगवा रखी है तो उनके लिए काफ़ी ज़रूरी हो जाता है और ख़ास करके जो वर्किंग है तो उनके लिए तो बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो घर की कई ऐसी चीज़ें होती है जिसको साफ़ करने के लिए हमें वैक्यूम क्लीनर की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कारपेट्स हो गए, सोफ़े वगैरह हो गए और भी बहुत तरह की चीज़ें। तो ये कम बजट में बहुत अच्छा और एफिशिएंट वैक्यूम क्लीनर है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपके सामने ही मैं इसकी अनबॉक्सिंग करूँगी और ये एक इस टाइप के पैकेट में आया है, तो मैं पहले अनबॉक्सिंग कर लेती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके अंदर क्या क्या कंटेंट्स हैं। सबसे पहले इसके साथ यूज़र मैनुअल है, लेकिन खैर उतनी अभी इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे, क्योंकि आजकल सबको पता होता है वैक्यूम क्लीनर कैसे यूज़ करना है और इसको यूज़ करना तो बहुत ही आसान है, तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन आप चाहें तो इसको पढ़ भी सकते हैं। तो मैनुअल हम हटा देंगे, उसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको इस बॉक्स के अंदर क्या क्या कंटेंट है। खैर मैनुअल को मैं साइड में रख देती हूँ और उसके बाद इसके अंदर है ये एक 2-in-1 ब्रश क्लीनिंग के लिए, ये मैं आपको डिटेल में बाद में दिखाऊंगी और पहले हम देख लेते हैं कंटेंट क्या क्या है इस बॉक्स के अंदर। अगर आपको कारपेट वगैरह की क्लीनिंग से बहुत ज़्यादा डर लगता है, समझ में नहीं आता रहता है कि कैसे साफ़ करें, बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, तो बेस्ट सोल्यूशन है। और ये वाला जो अटैचमेंट है इससे कारपेट बहुत ईजिली साफ हो जाता है। उसके बाद देखते हैं क्या इसके अंदर, और ये रिचार्जेबल है तो इसके साथ ये चार्जर है जिससे कि आप इसको चार्ज कर सकते हैं, इसको भी हम साइड में रख देते हैं। उसके बाद ये छोटा सा क्यूट सा ब्रश है और इसका जो आगे का पार्ट है वो रोटेट होता है, और इसका जो हैंडल है ये काफ़ी मजबूत है, काफ़ी हैवी और स्टर्डी है। खैर अब हैंडल के बाद बारी आती है मेन वैक्यूम क्लीनर की, वो हम देखते हैं। और ये जो वैक्यूम क्लीनर है ये काफ़ी स्टर्डी है, बिल्ड क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है, देख के भी आपको लग रहा होगा। और इसका जो डस्ट कंटेनर है ये इसकी कैपेसिटी लगभग आधा लीटर है, तो उसमें काफ़ी मात्रा में डस्ट कलेक्ट हो सकती है। और आप ये देख सकते हैं ऊपर एक बटन है इसको ऑन ऑफ करने के लिए और बैक साइड पर चार्जिंग पोर्ट है। तो अब ये इसका जो मेन फ्लोर ब्रश है या कारपेट ब्रश कह लीजिए या पावर ब्रश कह लीजिए, इसमें नीचे रोलर्स लगे हैं, ये 180 डिग्री तक इस तरीके से इसका हैंडल मूव हो जाता है, जिससे कि कोने वगैरह में या कहीं पे जो मूव करना हो या घुमाना हो तो आराम से ये घूम जाता है। और इसको लगाने के लिए आप इसके अंदर लगाएंगे, हल्की सी आवाज़ आएगी, टिक सी आवाज़ आएगी, जिससे कि अंदर चला गया। और जब आपको निकालना है तो इस बटन को, रेड बटन को प्रेस करके आप इसे निकाल सकते हैं। अब इसको हम वैक्यूम क्लीनर में कैसे लगाएंगे, ये छोटे छोटे जो ये पिंस हैं इनका ध्यान रखना है, इन पिंस को यहाँ पे जो होल है यहाँ पे लगाना है इस तरीके से। ये मैं आपको थोड़ा स्लो करके दिखा रही हूँ जिससे कि आसानी से समझ आ जाए। और निकालने के लिए वही रेड कलर का बटन को प्रेस करना है। और ये 2-in-1 नोज़ल ब्रश जो है इसको हम कॉर्नर्स वगैरह पे, सोफ़े वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं, जो कि काफ़ी यूज़फुल है, कार के लिए भी यूज़ कर सकते हैं आप इसे। तो 1 by 1 मैं आपको इसका यूजेस बता रही हूँ। इसको लगाना बिल्कुल सिंपल है, इसको आप इस तरीके से हैंडल में सीधे अटैच कर दीजिए। जो ब्रश आप यूज़ करना चाहें वो आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे घर में कुछ ऐसे कॉर्नर्स वगैरह होते हैं जहाँ पर साफ़ करना मुश्किल होता है, उस सब के लिए। और ये जो छोटा वाला ब्रश है ये रोटेट होता है, इसका जो ऊपर की तरफ वाला पार्ट है वो रोटेट होता है, तो ये कॉर्नर वगैरह के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है जहाँ पे हाथ नहीं जाता है। और ये ऑन ऑफ मैं कर रही हूँ और ये बटन से आप इसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं।
जैसे अभी तो मैंने खैर इतना सारा कुछ यहाँ पे गिराया है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन थोड़ा बहुत तो यहाँ पे डस्ट कलेक्ट हो ही जाता है डेली, कितना भी सफाई करो हो ही जाता है। और ये सब जो पार्ट होते हैं घर के जहाँ पे हाथ आसानी से नहीं पहुँचता, तो वहाँ दिक्कत होती है क्लीनिंग में, तो उस सब के लिए बहुत ही यूज़फुल चीज़ है ये। और अभी तो मैंने खूब सारे मेथी के दाने और नमकीन वगैरह गिरा के दिखाया था, जिससे कि कुछ तो होना चाहिए। खैर जो छोटे बच्चों वाले घर हैं उनके लिए तो बहुत यूज़फुल है, और कॉर्नर्स वगैरह की बहुत इजीली इससे क्लीनिंग कर सकते हैं, कार्स के लिए तो बहुत यूज़फुल है। और सबसे ज़्यादा मुझे इसका यूज़ लगता है सोफ़े के जो गैप्स होते हैं, जहाँ पे बच्चे कुछ ना कुछ डालते रहते हैं या डस्ट कलेक्ट हो जाता है, तो उसके लिए बहुत यूज़फुल है, क्योंकि सोफ़े का ये वाला पार्ट साफ़ करने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था। और इसका जो ये पावर ब्रश है ये कारपेट को बहुत इजीली क्लीन करता है, और इसके अंदर के डस्ट वगैरह को भी बहुत अच्छा निकालता है। ये आप देख सकते हैं कितनी धूल पड़ी हुई थी मेरे कारपेट में, और ये जो भी हमने अभी क्लीन किया है ये सारा इसमें कलेक्ट हो गया है। और इसका फ़िल्टर जो है वॉशेबल है, तो आप इसे इजीली वॉश करके सुखा के यूज़ कर सकते हैं। और इसको खोलने के लिए इसको हल्का सा स्लाइड करना है, घुमाना है, और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसको कैसे खोलना है। और आप इसे चाहें तो हल्के ब्रश से भी साफ़ कर सकते हैं, जो जेंटल टूथ ब्रश हो तो उससे भी हल्का सा वो कर सकते हैं, नहीं तो इसको वॉश कर सकते हैं। और ये जो भी डस्ट कलेक्ट हुआ है उसको आप डायरेक्ट डस्टबिन में डाल सकते हैं, आपको हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो इसका ये कंटेनर है इसको तो मैं चाहे गीले कपड़े से साफ़ करना चाहूँ वो कर सकती हूँ, नहीं तो मैं इसको वॉश कर लूँगी, और उसके बाद हम साफ़ करने के बाद सुखाने के बाद इसको लगा सकते हैं। नहीं तो आप इसे चाहे अगर ज़्यादा गंदा ना हो तो बार बार धोने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे आराम से कपड़े से पोंछ सकते हैं, झाड़ सकते हैं। और ये वह छोटा वाला जो ब्रश है, जैसे कि फ्रिज के पीछे का, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पर कितनी गंदगी जम जाती है, यहाँ पर हाथ ईज़िली नहीं पहुँचता। और ये सब ऐसा पार्ट होता है घर का जो कि मतलब जहाँ पर हाथ नहीं जाता, जहाँ पर क्लीनिंग बहुत मुश्किल हो जाती है। तो ये जो ब्रश है ये रोटेट होता है, जिससे कि जो फ्रिज के पीछे वाला एरिया, कबर्ड के पीछे, ये आप आराम से साफ़ कर सकते हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ इसको चार्ज कैसे करना है। चार्ज करने के लिए चार्जिंग पोर्ट है, चार्जर ऑब्वियसली इसके साथ आया है, वो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दिखाया था। तो इस तरीके से हमें चार्जर लगाना है, फिर सॉकेट पर लगा के इसको ऑन कर देंगे, और जब तक ये ब्लिंक करता रहेगा मतलब अभी तक चार्ज पूरा नहीं हुआ है। ये इस तरीके से आप देख सकते हैं ब्लिंक कर रहा है, 75% तक चार्ज हो चुका है, और जब ये ब्लिंक करना बंद हो गया तो मींस चार्ज कंप्लीट हो गया। फुल चार्ज में 30 मिनट तक इसकी बैटरी चलती है, जो कि काफ़ी है। इस प्रोडक्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगी। आप चाहे तो इसे अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ भी शेयर कर सकते हैं, और चाहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मिलती हूँ फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।